तो अपने के लिए बहुत भारी बात है। मैं भी मिलता है ना कोई भी, मैं भी हेल्प करता हूँ भाई, भले कोई भी हो, मगर जितना हो सके अपन उतना हेल्प करते भाई। तुम लोग की ग्रुप है, अच्छी ग्रुप है भाई, अच्छी बात है। अभी मैं भी अकेला हूँ, मेरी भी ग्रुप है, अपन जितना हेल्प होता है अपन उतना हेल्प करते भाई। सब में बड़ा धर्म हिंदू, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब में बड़ा धर्म ऊपर की एक कृपा है। क्योंकि यहाँ इसमें अहम रोल वो मेडिकल वाले का भी है। अगर वो भाई बेचारा नहीं बताता तो हम लोग भी नहीं। बहुत अहम भूमिका वो भाई थी तो बेचारा बराबर फोन किया। बदलापुर में कौन रहता है, घर परिवार है? हाँ, मुझे आपका आदर्श कॉलेज, भाई बहन माँ बाप कोई है वहाँ पे? है वहाँ पे। सच का सच बोलो, सच बोलो आप। ऐसा घबरा के जय जी जाते हैं, हॉस्पिटल में चलेंगे अपन, ठीक है? फिर उसके बाद देखते अपन क्या करना है। चले, लेकिन उसमें थोड़ा क्या बोल क्या थोड़ा क्या भाई बातचीत रहे। अभी ये बंदा है जो यहाँ तीन दिन से, मतलब आज आ रहा, चल भी नहीं पा रहा था, नहीं रहा था यहाँ से, और फिर तीन दिन से पड़ा हुआ था, आज एकदम अधमरा हो गया, यहाँ चल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स में कॉल किए, उनके एम्बुलेंस को कॉल किए, तो उन्होंने फ़ोन उठाने की तो दूर फ़ोन जा रहा था तो उसका उठाए भी नहीं उन्होंने फ़ोन। और एक्सिस बैंक वाले एक बंदे ने कॉल किया था उनको, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बोलते सीधा रॉन्ग नंबर है ये। फिर मैंने कुछ सोशल वर्कर्स को कॉल किया, वो आए यहाँ और इनको लेके जा रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस सोशल वर्कर्स को और लाइफ इन ब्यूवर को।
भाई एक मगरिब के वक्त हम लोगों को एक कॉल आया, उसमें जिस शख्स ने कॉल किया था उसने बताया कि यहाँ पे एक्सिस बैंक के पास एक बहुत सीरियस कंडीशन में एक पेशेंट रोड के साइड में पड़ा हुआ है। हम लोग कॉल आने के बाद हम तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि वो बंदे की बहुत ख़राब खस्ता हालत थी, और फिर जब हम लोगों को वहाँ पर मालूम पड़ा कि ये जो बंदा है ये 2-3 दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ था, भूखा प्यासा था, उसके ज़ख्म उसको लगा हुआ है, राइट साइड के पैर पे उसको ज़ख्म लगा हुआ है, जो काफ़ी ज़ख्म में छोटे कीड़े सब कुछ हो गए थे, उसके ज़ख्म में काफ़ी तकलीफ़ थी। तो उसके बाद उसको देखकर हम लोगों ने उसको वहाँ पे, वो भूखा भी था भाई, उसके देख के लग रहा था कि वो काफ़ी भूखा है 2-3 दिन से। हम लोगों से जो चीज़ बन पड़ी हमने उसको पानी पिलाया, जूस पिलाया, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो कुछ हुआ इंसानियत के तौर पर हमने वो सब कुछ किया। उसके बाद हम लोगों ने उसको यहाँ पे अभी IGM हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया है। एडमिट का प्रोसेस भी पूरा हो गया है। इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग जो साथ के जो लोग हैं सारे हर रोज़ सुबह शाम उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि वो 2-3 दिन में ठीक तरीके से अच्छा हो जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में पहले ये कोशिश की जाएगी कि 2-3 दिन में उसके घर वालों का मालूमात लिया जाए, क्योंकि उसने हमको सिर्फ इतना बताया है कि उसका नाम नीलेश है, और वो बदलापुर में कहीं रहने वाला है, बदलापुर का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पहले फैमिली तक भी पहुंचे, या तो फिर हमारा आगे का प्रोसेस ये है कि उसको जब आराम पड़ जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग उसको फिर अनाथ आश्रम में उसको एडमिट करवाएंगे। अभी नींद बेहोशी की हालत में है, वो कुछ बता नहीं पा रहा, ज़्यादातर बोल नहीं पा रहा वो कोई चीज़ को, और जो बोला है उसने सिर्फ बदलापुर का नाम लिया है। बदलापुर में ये बंदा बदलापुर में पेपर बांटता है, 2 अप्रैल को वहाँ से निकला है, इतना ही उसने बताया है। तो कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और उनके फैमिली तक पहुँचे। इसमें सब में बड़ी अजीज भाई एक बात है कि उस रास्ते से, वो कल्याण रोड है, उस रास्ते से हज़ारों लोग गुजरे होंगे 3 दिन के। आज जो भिवंडी में राजनीति कर रहे हैं, छोटी बड़ी जो राजनीति कर रहे हैं, गटर नाली सड़क लाइट पे, ये जो छोटी मोटी चीज़ों पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो हज़ारों लोग वहाँ से दिन में से गुजरे हो गए, मगर 3 दिन में उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। सब में बड़ी बात ये, जब हम लोग वहाँ पे लेने गए, बहुत से छोटे मोटे लोगों ने वहाँ पे हम लोगों को हिम्मत दी, हमारा हौसला बढ़ाया कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर सब में जो बोलते हैं ना कि दिल दहलाने वाली बात ये हुई है, दिल दुखने वाली बात ये हुई है कि इतने हज़ारों लोग वहाँ से गुजरे होंगे, कहीं कॉरपोरेटर वहाँ से गुजरे होंगे, कहीं बड़े लोग बड़े नेता वहाँ से गुजरे होंगे, मगर किसी का उस गरीब आदमी पे ध्यान नहीं गया। ये सब में बड़ी अफसोस की बात, सवाल है, बहुत बड़ी अफसोस की बात है, और ये भिवंडी की आवाम को सोचना चाहिए। तो इस तरह का केसेस और भी बहुत सारे होंगे भिवंडी में, तो क्या आप सब पे ऐसा काम करेंगे? इंशाल्लाह ताला अगर आपके न्यूज के माध्यम से ये जहाँ तक जितने भी लोग तक ये वीडियो पहुँचता है वो आपको फोन करे, आप हमारा नंबर शो करें, वो जहाँ पर भी है जैसा भी है, हम एक इंसानियत के तौर पे खौफे खुदा रख के उस बंदे की पूरी मदद करेंगे जहाँ तक जितना हमसे हो सकता है। अभी ठीक है? खाना वाना खाने लगा? कपड़ा नहीं पहना? ये क्या कपड़ा क्यों नहीं पहन रहा? कपड़ा ला के रखे थे ना, अभी लेके दूसरा आते हैं उसको पहनना। अभी चाय भी आ रही है, स्पून भी, चम्मच भी ला रहा है। अभी कपड़ा देंगे तो जरा पहन लेना कपड़ा। अभी कपड़ा फेंकना नहीं है, कपड़ा लाके देखो, कपड़ा पहनना अभी फेंकना नहीं। पहले बाबा खाना। खाना तो खाना है ना। तुला चाय, 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 चाय। सगड़े तुला भेटे काय ते सगड़े भेटे चाय पुआ काय सत्य सिरा सगड़े भेटे पुड़ाला। हां ठीक है, अभी आराम है ना, आप देख लीजिए। नीले समझदार पड़ी डॉक्टर आ गए। हां ये डॉक्टर नहीं, उधर से आ लाए थे ना रोड पे से, कुछ ना पे वो डॉक्टर की बात। अभी हम रोज देख रहे थे कि तुम खाया कि नहीं खाया, दवा खाया कि नहीं खाया। दवा आराम जैसा लोग, तब तक मैं 2 तारीख से यहाँ तक आए। तो अभी कल रात में आप लोगों ने जिस मरीज को लाकर यहाँ एडमिट करवाया था, अभी यहाँ पर आप लोगों ने उसके हालात को देखा, तो क्या क्या दिखा आप लोगों को? ऐसे कल लेके आए थे मरीज को, नीलेश नाम है उसका, अभी वो स्वस्थ महसूस कर रहा है। ये डॉक्टर भी लोग कॉपरेट किए हैं हॉस्पिटल में, उसको अच्छी मदद मिल रही है, उसको आज नहला धुला दिए हैं।
दवा वा खाया, वो खुद को महसूस कर रहा है कि मैं बेटर हूँ पहले से। लगी कल के दिन तो हम लोग वहाँ पे देखे, लोग आ रहे जा रहे, वो इंसान वहाँ पे लेटा हुआ 3 दिन से बहुत तकलीफ में था। हम लोग को तकलीफ समझ में आई। भिवंडी वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कोई तकलीफ दिखे ना तो उसकी हेल्प करो, आगे आओ, उससे लोगों को और मदद मिलेगी। वो तो बाहर का बंदा था, भिवंडी का नहीं था। अभी हम लोग ने इंदिरा में उसको अच्छे से एडमिट करा दिया है, हर चीज़ उसके ऊपर फॉलोअप हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम लोग ऐसे फॉलोअप लेते रहेंगे। हमारे आदिल भाई जिस तरह जो पेशेंट अभी हम लोग हमारी जो टीम में आज से 2 दिन पहले लेकर आए थे एक्सिस बैंक के पास से, बहुत बुरी कंडीशन में था वो, बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। उसको ला करके हमारी टीम ने यहाँ पर एडमिट किया। एडमिट करने के बाद पूरी टीम फॉलोअप ले रही है कंटिन्यू 2 दिन से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहा है। आज हम लोग उससे मिलने भी आए, सब लोग उसका हालचाल लिया, पूरी टीम ने हालचाल लिया, खाने के लिए पूछा, और टीम भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रही है उसको, और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और मेरी एक भिवंडी कर सभी लोगों से एक बहुत मुद्दिबाना गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, इस तरह के जो भी केसेस आपको रोड पर नज़र आते हैं ना, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको आप हॉस्पिटल लाइए या उसकी कुछ हेल्प करिए। इस तरह से देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हमारे आदिल भाई है, रोशनबाग में रहते हैं। जो इस तरह के पेशेंट अभी आपको दिखाएंगे अजीज़ भाई एलआईबी में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरह की कोई भी लावारिस मैयत होती है या कोई भी इस तरह का कोई आदमी होता है या कोई भी इंसान होता है, तो आदिल भाई उन खिदमत खल्क के एतबार से उनको पूरे नहलाने धुलाने का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम करते हैं आदिल भाई ना, ये बहुत जिगर की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इंसान इस तरह से नहीं करता है। आदिल भाई हम लोग आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में ऐसे के लोग हैं जिस तरह से आप जो काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह आपके खिदमत खल्क का जज्बा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो नीलेश नाम का जो बंदा है, देखिए इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेरी भिवंडी कर से की रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसा कोई मिले तो आप उसकी हेल्प करिए इस तरह से। और आदिल भाई है, अगर कुछ ज़रूरत होती तो आप अजीज़ भाई से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको आदिल भाई से कॉन्टैक्ट कराएंगे, और इंशाल्लाह वो आपको उस पार्टी तक पहुँचाएंगे।